कर्नाटक में इलेक्शन शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। 10 मई को एक ही फेज में चुनाव होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही ओपिनियन पोल का दौर भी शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में कर्नाटक में कांग्रेस सबसे आगे नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को 115 से 127 सीटें, बीजेपी को 68 से 80 सीटें, जेडीएस को 23 से 35 सीटें व अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जी न्यूज मेट्राइज के पोल में कर्नाटक में कांग्रेस को 88 से 98 सीटें, बीजेपी को 96 से 106 सीटें और जेडीएस को 23 से लेकर 33 सीटें व अन्य को 2 से लेकर 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।